आज जो है वो सोशल चेंज का सेकंड सेक्शन सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज कर रहे थे, और सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज हमारा जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, हम उसी को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, सोशल चेंज में हम सोर्सेज में हम ये देख रहे थे कि सोशल चेंज जो फास्ट आता है वो मुख्तलिफ रीजन से आता है, इसमें इन्वेंशन, इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स, कॉन्क्वेस्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग में हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड्स, उसकी वजह से हमें जो है चेंजेस नज़र आते हैं कि सोसाइटी के जो लोग हैं उसी डिफ़िकल्टीज में रहते हुए किस तरह उनमें पॉजिटिव सोशल चेंज या नेगेटिव सोशल चेंज आता है। उसके अंदर हम लास्ट जो कर रहे थे वो मास मीडिया का इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंसी इसकी इसलिए बनती है कि ज़्यादातर जितने बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जो चेंज हो रहे हैं, जो कल्चर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं हमारे, जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स में जो इम्पैक्ट आ रहा है कल्चर के आस्पेक्ट्स, अगर आप याद करें कल्चर में हमने वैल्यूज़ और नॉर्म्स किए थे, वो उसमें सबसे ज़्यादा मास मीडिया का इन्फ्लुएंस है। उसमें स्पेशली जो आजकल जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करती है, सोशल मीडिया में जो है बहुत ज़्यादा इन है, सोशल मीडिया ट्रेंड में है सोशल मीडिया, और यही सोशल मीडिया जो है उसके अंदर वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी लेती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी लेती है, और ये सोशल चेंज में जो है इनके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो क्यों चेंज आ रहा है यूथ के बिहेवियर में, क्योंकि वो दूसरे दुनिया के यूथ के साथ जो है वो बिल्कुल नज़दीक हो गए हैं, और वहाँ पर जो हो रहा है वो अपने माशरे के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ वो कंपेयर करते हैं, और उस कंपेरिजन में उनको अगर अपने अपनी चीज़ें में कमी नज़र आती है, या रवैयों में, दूसरों के रवैयों में, या पेरेंट्स के बिहेवियर में जो है वो कमी नज़र आती है, तो वो लोग जो है इस चीज़ को कंपेयर करते हैं, और जो कंपेयर करने के बाद जो है वो फिर उस अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, और फिर रिलेशनशिप पर इम्पेक्ट पड़ता है, माँ बाप की और बच्चों की रिलेशनशिप पर इम्पेक्ट पड़ रहा है, इवन के टीचर्स और स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप पर इम्पेक्ट पड़ रहा है, और ओवरऑल माशरे के अंदर जो है वो नज़र आता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसकी सोचें जो है, उसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो सोशल चेंज में बिहेवियर में जो सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है उसमें मास मीडिया का ज़्यादा रोल नज़र आता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इस सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज में हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि सोसाइटीज़ में जो चेंजेस आए हैं दुनिया में, उसमें एग्रीकल्चर एडवांसमेंट से भी बहुत चेंजेस आए हैं। पहले एग्रीकल्चर जो था उसके अंदर हम लोग हाथों से और मैनुअली सारे काम करते थे, यानी कि प्लाउइंग करते थे। प्लाउइंग का मतलब है ज़मीन को जो है वो खोदना था, तो वो ज़्यादातर हम यूज़ करते थे, हैंड्स यूज़ करते थे, शवल्स यूज़ करते थे। इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हमने जो है वो बुल्स को और ऑक्सेस, भैंस, गाय और बैल, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जानवरों को, एनिमल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया प्लाउइंग के लिए। फिर प्लाउ करने के लिए फिर हमने मशीन्स या ट्रैक्टर्स आ गए, और अब ट्रैक्टर्स के अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर आप जो हैं अगर देखते हैं तो उसमें कल्टीवेशन भी वही करता है, सफाई भी वही करता है, और सिर्फ जैसे कॉटन को निकालना सबसे ख़तरनाक जो है आस्पेक्ट है, अभी भी पाकिस्तान में मैन्युअली कॉटन को निकाल जाता है, उसके अंदर इतने थॉर्न्स हैं, इतने कांटे हैं, और हम उसको आपको लगता है अगर आप कॉटन की फील्ड में गए हो और आपने उसको कभी निकालने की कोशिश की हो, तो बहुत टेक्निकल आस्पेक्ट है, और पाकिस्तान में अभी भी इसको जो है मैन्युअली किया जाता है। बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर एडवांसमेंट आ गई हैं, जिनकी अपनी टेक्सटाइल मिल्स हैं, और जिन्होंने अपनी कॉटन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनली या एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगवा कर इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, और इससे फास्ट काम हो रहा है, और स्किल्ड जो है वो लेबर की ज़रूरत कम पड़ रही है, और ये एडवांसमेंट से एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि काम और प्रोडक्शन जल्दी होती है, दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो फार्मर्स हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और उनका शोभा ही फार्मिंग का था, उनके हाथ से ये आस्पेक्ट हट गया है। तो ये पॉजिटिव सोशल चेंज में ये हुआ
कि लोगों के पास न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और नेगेटिव सोशल चेंज में ये आ रहा है कि लोग जो हैं उनकी स्किल की ज़रूरत कम हो गई है। इसके अंदर अब जो है वो एक में फार्मर का जो फ़ायदा हुआ है इसमें कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हुआ है न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, कि उसकी पहले सीड्स ज़ाया हो जाती थी, जो बीज डालते थे वो ज़ाया हो जाते थे, पेस्टिसाइड्स डालते थे वो ज़ाया हो जाते थे, केमिकल या यूरिया डालते थे ज़मीन के अंदर, जो खाद होती है वो डालते थे वो ज़ाया हो जाती थी। क्यों ज़ाया हो जाती थी? क्योंकि जब मैन्युअली डालते हैं तो आप हाथ से डालते हैं तो आप जल्दी जल्दी डालते हैं तो चीज़ें उड़ती हैं और वो सीड्स उड़ते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं और उनका इस्पेक्ट होता है। स्प्रे जो है वो ज़ाया होता है। ज़्यादातर जो है बड़े बड़े फार्मर्स जो हैं अमेरिका में और यूके में क्या करते हैं कि वो छोटे जहाज़ होते थे उनके पास जहाज़ों से जो है केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते थे, और बहुत सारा पेस्टिसाइड और स्प्रे जो था हवा के अंदर जो है वो ज़ाया हो जाता था। फिर उन्होंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा ये हो गया इनको कि ड्रोन्स जो हैं, इनके स्पेशल ड्रोन्स होते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग्स होती है और ड्रोन्स के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं सीड्स। अब वो ड्रोन को स्पेसिफिक जगह पता है कि कितनी कितनी सीड्स कितने कितने फासले पर डालनी है, कितना कितना स्प्रे कितने कितने फासले पर करना है और कितनी नीचे, क्योंकि जहाज़ जो है बहुत ऊपर की साइड पर होता था तो हवा में पेस्टिसाइड्स जो है उड़ के ज़ाया हो जाते थे। यही जहाज़ हट गया, अब ड्रोन जो है नीचे भी फ्लाई कर सकता है और बहुत नीचे भी फ्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से ये कि वो जो पेस्टिसाइड जो स्प्रे है वो ज़ाया नहीं होता, सीड्स ज़ाया नहीं होती और केमिकल्स और यूरिया ज़ाया नहीं होता। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, यूज़ की जा रही है एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में। दूसरा एग्रीकल्चर का जो एडवांसमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों ने फील्ड में जो है कल्टीवेशन की बजाय के अलावा जापान और चाइना में आप देखें तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और घरों के अंदर और वर्टिकल जो है वो बनाई जा रही हैं, पौधे बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर ज़मीन की ज़रूरत नहीं है और ऐसी जो है वेजिटेबल्स और प्लांट्स को उगाया जा रहा है जिस जो उसकी वर्टिकल प्लांटेशन हो जाए जहाँ पर ज़मीनें नहीं हैं, ऐसी मुल्क ममालिक जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड ममालिक नहीं है वो लोग जो हैं उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकायदा एक मैंने देखा था CNN पर कि एक शख्स का अपना खुद का कारोबार था, बिजनेस था, और उसने उसको छोड़ के जो है ये एग्रीकल्चर एडवांसमेंट को यूज़ किया, वो क्योंकि वो बाय प्रोफेशन जो है वो टेक्निकल इंजीनियर था और इसकी इंजीनियरिंग की जो डिग्री जो थी वो उसने इसको इसमें यूटिलाइज किया और वर्टिकल जो है वर्टिकल बना रहा है और इसके अंदर जो पौधे हैं जैसे सैलड्स हैं, सैलड लीव्स हैं या हमारे पास जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो वर्टिकली उगा रहा था। और वर्टिकली इसने जिस तरह से इसको धूप किस तरह देनी है तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर, आर्टिफिशियल धूप किस तरह देनी है, पानी कितना डालना है, पानी भी कम, जो आम पानी ज़मीन में डलता है उससे कहीं कम जो है वो 100% अगर हम कहें कि ज़मीन खींचती है पानी तो वहाँ पर सिर्फ उसका 10% पानी की ज़रूरत होती है स्प्रे की। तो अब ये एग्रीकल्चर एडवांसमेंट जो है वो तब्दीली लेकर आ रही है, लोग जो हैं उसके अंदर चेंजेस ला, इवन के अब प्लांट बेस्ड मीट भी बनाया जा रहा है, प्लांट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि उसका जो टेस्ट है वो मीट का टेस्ट जो है आपको लगेगा कि आप गोश्त खा रहे हैं उसका टेस्ट है। तो नए नए पौधे नई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड की जा रही हैं और प्रोडक्शन में इजाफा किया जा रहा है और इससे फ़ायदा ये होगा फ्यूचर में जाकर कि जो पावर्टी स्ट्रिकन ममालिक हैं जहाँ पर सहूलतें कम हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करके वहाँ की फूड की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो रिसोर्सेज की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। फिर आता है सोशल चेंज का जो बड़ा सोर्स हुआ आया वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंसान जो अपने हाथों से काम करता था वो हाथों ने जगह ले ली मशीनों की, उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यानी इंडस्ट्रीज ने जगह ले ली मैनुअल लेबर की, पहले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी थी, छोटी छोटी मशीनें बनी, फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, उसके साथ बड़ी टेक्नोलॉजी आई
और लोगों को जो है बड़े पैमाने पर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ी, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी, उन लोगों की ज़रूरत पड़ी जो मशीनों को चला सकते हों। तो मशीनों को चलाने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को एजुकेशन की तरफ आना पड़ा, और बड़ा चेंज ये आया कि लोगों को तालीम हासिल करनी पड़ी। तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आपके पास स्किल नहीं होगी, स्किल नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप इसमें देखें, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, ये सब प्रोफेशन जो है वो ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री में आपको मैनेजर्स जो हैं वो MBAs मिलते हैं, कॉमर्स के साइड के लोग मिलेंगे आपको, क्वालिटी इन्हांसमेंट करने के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए वो मिलेंगे, HR के लोग मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ने वाले मिलेंगे आपको। तो ये एक्सपर्टीज, एजुकेशन की एक्सपर्टीज भी इसमें शामिल नज़र आती है। केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग फील्ड भी आपको, ज़्यादातर इंजीनियर्स आपको मुख्तलिफ कंपनीज में होते नजर आएंगे। बायो केमिस्ट, केमिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ज्योग्राफी या जियोलॉजिस्ट, ये सोशल साइंटिस्ट, ये सब जो है वो इंडस्ट्री में काम अभी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत जो है वो एजुकेशन की भी इसलिए पड़ती है क्योंकि अब स्किल्स जो है सिर्फ मशीनें चलाने के लिए नहीं है, बल्कि मशीनें जो चलाता है इंसान, इंसानों को भी चलाने के लिए लोग चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के आस्पेक्ट में ऐड हुए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब देखें कि मुख्तलिफ ममालिक ने जिनके यहाँ जिनके रॉ मटीरियल्स थे, जैसे पाकिस्तान में कॉटन रॉ मटीरियल हमारे पास अपना है, शुगर केन हम लोग कल्टिवेट करते हैं, या ऐसे कुछ आस्पेक्ट हैं जैसे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में हम सनफ्लावर हमारे यहाँ बहुत होता है, तो ये हमने उसकी फैक्ट्रीज बना ली, फ्लावर मिल बना लिया वीट का, टेक्सटाइल कंपनीज बना ली, कॉटन को यूज़ कर को हम ही बुन के हम ही उसको वीव करते हैं, धागे बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह शुगर भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होती है, बनती है और इम्पोर्ट और मिल्क के अंदर भी यूज़ यूटिलाइज होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये फ़ायदा हुआ कि जो रॉ मटेरियल हम बाहर भेजते थे और फिर हम चीनी बाहर से मंगवाते थे, हमें महंगी पड़ती थी, वो सस्ती हो गई। अभी भी जो है चीनी का जो शुगर का जो आस्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है महंगी हो, ये सारे मैन मेड है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो स्टॉकिंग करते हैं, स्टॉक करते हैं, अपने स्टॉक्स में चीज़ें छुपाते हैं, और जब कमी हो जाती है मार्केट में तो फिर उसको न्यू प्राइस पर सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये एक टैक्टिक है, एक स्ट्रेटजी है ज़्यादा कमाने की, और इसके अंदर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इसके अंदर या तो उनकी कोई इनफॉर्मल किस्म की बातें हुई होती हैं, या तो ये लोग जो हैं मिलकर ये काम कर रहे होते हैं, यानी इसके अंदर ये अंडर हैंड काम की बात करते हैं। फिर कॉजेज ऑफ सोशल चेंज में जो सबसे बड़ा कॉज है वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब मैं इसको आसानी से, खैर मॉडर्नाइजेशन तो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सोसाइटी से जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आ गए, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से हम पोस्ट इंडस्ट्रियल की तरफ आ गए, तो ये मॉडर्नाइजेशन का जो है वो आस्पेक्ट है। मैं इसको और इजी करके बता देती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन हम कहते हैं कि उसका प्रोसेस का नाम है जब मशीन को कंट्रोल करना भी मशीन करती है। तो ऑटोमेशन का दौर है, मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय मशीन्स, तो ऑटोमेटिक आस्पेक्ट हो गया है कि एक मशीन को जो कंट्रोल करना होता है उसको भी सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जा रहा होता है, और इंसान जो है वो सॉफ्टवेयर बना लेता है। आप सोशल मीडिया पूरा देखें, पूरा सोशल मीडिया जो है वो उसके पीछे जो सोशल एप्स बनी हुई हैं, जिसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या और जितने भी टिकटॉक से लेकर, उस सब के पीछे आपको जो है टेक्नोलॉजी जो नज़र आती है मॉडर्नाइजेशन में, वो नज़र ये आता है कि उस मशीन को जो कंट्रोल कर रहा है वो मशीन कर रहा है, कोई इंसान नहीं बैठा, इंसान ने सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो खुद काम करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो है वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है। फिर या यूट्यूब भी आप इसके अंदर ऐड कर लें, खुद ब खुद ये प्रोसेस चल रहा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न सोसाइटी की? तो वो कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि जो गवर्नमेंट्स जो हैं उस सोसाइटी के अंदर उसका जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट पर ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है। रिसोर्सेज मॉडर्नाइजेशन में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और इदारे बनाने पड़ रहे हैं लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। ये सोशल चेंज एक बहुत बड़ा आया है इसमें। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं
उसके उसको जो है मुख्तलिफ लोगों की जरूरत है ताकि उसको रन किया जा सके। कौन रन करेगा? सियासतदान रन नहीं करते सिर्फ पॉलिटिकल उसमें, बल्कि सियासतदान के अंडर में जो काम कर रहे होते हैं, मिनिस्ट्रीज के अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे अभी फिलहाल अगर आप देखें तो डिजीज कंट्रोल जो हेल्थ डिवीजन का हेड है वो हेल्थ की फील्ड से रिलेट करता है, वो MD है, PhD है, डॉक्टरेट है, उसने मेडिसिन में डॉक्टरेट किया हुआ है और उस एक्सपर्टीज को ही ले लिया जाता है। इसी तरह डिजीज कंट्रोल की जो इदारा है, डिजीज कंट्रोल का, उसका जो हेड है वो डिजीज को की स्टडी में एक्सपर्ट है, इसीलिए जो है वो डिजीज कंट्रोल के इदारे का एक्सपर्ट बनाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि वो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज जो है गवर्नमेंट को रन करने के लिए ज़रूरी है। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में अब जो है वो स्किल्ड पीपल की बात आती है, और स्किल्ड भी एजुकेशन के हवाले से हम बात करते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया है, ऑक्यूपेशंस में स्किल्स और एबिलिटीज की बात आ गई है। यहाँ पर पहले सिर्फ डॉक्टर होता था, अब हार्ट स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है और हजारों किस्म के, और आपको ENT डॉक्टर्स मिलेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट मिलेंगे, आप हर तरह के एक्सपर्ट्स आपको जो है वो ऑर्थोपेडिक मिलेंगे, सर्जन्स। तो आपको स्पेशलाइजेशन विद इन एक स्किल में भी, आपको विद इन एक स्किल स्पेशलाइजेशन, इंजीनियर्स में मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की साइजेस बड़ी हो गई हैं और इसके अंदर डिवीजन जो ऑफ लेबर है, यानी लोगों की जो डिवीजन है वो स्पेशलाइज हो गए हैं स्किल्स और एबिलिटीज के बेस पर। तो जब जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, जिसके पास ज़्यादा स्किल है, जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी है, वो इस सोशल चेंज के अंदर जो है थ्राइव करेगा, आगे बढ़ेगा, सर्वाइव करेगा और इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को ग्रो कर पाएगा। तो बहुत सारे लोगों को आप देखें अर्बन एरियाज में जो रहते थे, वो रहते हैं जो छोटे शहरों बड़े शहरों में रहते हैं, वो अपनी इसी जो स्किल्स हैं उसके बेस पर आज उनका स्टेटस बढ़ गया है। उनको आप देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ गया है, और उनका जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल यानी कि उनके बच्चों को भी अच्छा से अच्छा पढ़ाया, और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का मकसद ये हुआ कि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुआ। फिर इन्होंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन में एक दो और आस्पेक्ट जो है वो ये हैं कि लॉज जो है बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं ताकि लोगों के बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके, रिवॉर्ड्स का और पनिशमेंट का एक सिस्टम बनाया जाता है, खैर वो तो पुराने ज़माने में भी था, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल की तरफ आते हैं तो उसके अंदर आपको लॉज भी सख्त होते हुए नज़र आते हैं। फिर कंट्रोल है कि इन्वायरमेंट पर कंट्रोल किसका है, जैसे ऑयल, वाटर, लैंड, एनिमल्स, ये रिसोर्सेज हैं, उस पर जो है अगर आप एक कंट्री या एक सोसाइटी जो है इन सब रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाती है, उसके पास क्या मिनरल्स हैं, जैसे हमारे पास गैस है, हमारे पास कोल है, उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, या वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हमारे पोर्ट्स जो हैं, तीन पोर्ट्स फॉर एग्जांपल हैं पाकिस्तान में, लाहौर में ड्राई पोर्ट है, पाकिस्तान कराची में तीन वेट पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम है, रोड ग्वादर पोर्ट है और निटिजेटिव का पोर्ट है। तो ये तीन पोर्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो दुनिया के साथ बिजनेसेस कर रहे हैं, दुनिया के साथ लिंकेज में है, और दुनिया जो है हमारे यहाँ पार्किंग करती है, अपने जहाज़ों को पार्क करती है और यहाँ से फिर फ्यूल करके दूसरी जगहों पर ले जाती है, और यहाँ पर भी जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, गुड्स सप्लाई करती है, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है फैक्ट्रीज को उसको वो प्रोवाइड करती है। तो इससे जो है ये क्या हुआ कि आपकी एक सोसाइटी की चीज़ें दूसरी सोसाइटी में बहुत फास्ट और बहुत इजीली पहुंच जाती हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस की बताया कि इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। तो मॉडर्नाइजेशन में जो मॉडर्न सोसाइटीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हैं वो अब मॉडर्न सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स नहीं रही, क्योंकि अब ये हमने एग्रीकल्चर सोसाइटी में रहते हुए भी इन सबको अपनाया हुआ है। तो अब मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमें जो है फर्दर देखना होगा कि अब और क्या चेंजेस आई। तो उसके अंदर दो और चीज़ें इन्होंने फर्दर कहीं अर्बनाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन
अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जब रूरल एरियाज से लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं और अपने एरिया को छोड़ के जो इनका एग्रीकल्चर बेस्ड स्किल बेस्ड जो इनकी ऑक्यूपेशन है उसको छोड़कर और जब वो शहरों में आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और अर्बन एरियाज में आते हैं और वहीं पर रह जाते हैं तो उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन के पीछे रूरल अर्बन माइग्रेशन शामिल है। तो अर्बनाइजेशन किस वक्त होती है जब हमारे लोग जो है रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये हुआ है कि 70% लोग जो हैं वो रूरल एरियाज में रहा करते थे, एग्रीकल्चर उनका मेन जो है वो सोर्स ऑफ लिविंग था, लाइवलीहुड जो है वो ज़्यादातर सबकी जो जॉब थी वो उसी से अटैच थी, ज़मीनों से अटैच थी। कुछ लोग फार्मर्स थे, कुछ ठेकेदार थे, कुछ उसी में काम करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि जब उनकी ज़मीनों पर इनका कर्ज की कर्जदार हुए और कर्जा चला ज़मीनों पर जो है वो उन्होंने एक्सपर्टीज नहीं थी, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट नहीं आया, उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है ज़मीनों के साथ, ज़मीनें सूखती जा रही थी, तो उन्होंने इसको छोड़ छाड़ के शहरों की तरफ आना शुरू कर दिया, बेच बाज के शहरों की तरफ आ गए। बाज़ औक़ात जो है वो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि अर्बनाइजेशन होती है। जब फैक्ट्रीज बनती हैं तो वो लोग समझते हैं कि फैक्ट्रीज बन जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जब आते हैं शहरों में तो पता चलता है कि यहाँ पर लाइफ जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, महंगी लाइफ है और उस पर वो कम्पीट नहीं कर पाते। इस तरह से स्लम कम्युनिटीज़ और कच्ची आबादियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो नेगेटिव सोशल चेंज के साथ साथ आ रहा होता है पॉजिटिव सोशल चेंज के मुकाबले में। तो कम इंडस्ट्रियल्स को सस्ते मजदूर तो मिल जाते हैं, कम पैसों में मजदूर तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ के साथ जो है वो मजदूर जो हैं वो अपनी फैमिली को बुला नहीं पाते और जब बुलाते हैं फैमिलीज को तो वो खुद भी गरीब रहते हैं और इनको ज़मीनों की ज़रूरत होती है, जगह रहने की ज़रूरत होती है, वो कच्ची आबादियाँ डेवलप करते हैं। कराची में 50% पॉपुलेशन जो है कराची की वो कच्ची आबादियों में रहती है। तो इससे सोच लें कि कराची जो है अभी भी लोग जो हैं कराची में माइग्रेट करके मुसलसल आ रहे हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो है वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस और बढ़ता जा रहा है जो पॉजिटिव सोशल चेंज भी ला रहा है लेकिन नेगेटिव ज़्यादा ला रहा है कि लोगों के मसाइल में इजाफा कर रहा है, रिसोर्सेज में कमी हो रही है। अब जहाँ पहले समझे 100 लोग थे जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे थे, अब 100 की जगह 200 लोग आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इतनी फास्ट अंदाज में नहीं बन रही जितनी रफ्तार से पॉपुलेशन का इजाफा अर्बन एरियाज में हो रहा है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है वो उसका प्रोसेस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से है, ये एक सिस्टम है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या बैंक, यूनाइटेड नेशन, जो भी कंपनी, जो भी इदारा है, जैसे इवन कराची यूनिवर्सिटी भी इदारा ही है, उसके अंदर जो सेटअप बना हुआ है वो सेटअप जो है वो जिसके अंदर एक हायरार्की है, एक पिरामिड शेप सेटअप बना हुआ है जिसमें ऊपर सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी ऊपर सीईओ है, गवर्नर है, फिर वाइस चांसलर है, गवर्नर चांसलर होता है हमारा, फिर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन्स, चेयरपर्सन और फिर प्रोफेसर्स और फिर नीचे जो है वो बाकी जो है वो लोग आते हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इस प्रोसेस को इसके अंदर हर एक को उनकी जॉब उनकी स्किल के मुताबिक दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए दिया गया है तो मेरे पास जो है वो जो क्वालिफिकेशन है वो सोशियोलॉजी की क्वालिफिकेशन है। इस तरह मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं जाके पढ़ाऊँगी अनलेस और अनटिल मेरे पास साइकोलॉजी की भी एडिशनल डिग्री ना हो। तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी जो वो लोग पढ़ाएंगे जिनके पास साइकोलॉजी की डिग्री होगी। तो अब इस तरह एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है जिसके अंदर हम लोग जो है हर चीज़ की लिखत पढ़त करते हैं, जैसे अटेंडेंस लेना, टाइम टेबल बनाना, एग्ज़ाम्स को का बनाना, एग्ज़ाम्स को जो है कंडक्ट करवाना, ये सब जो है वो एक फॉर्मल तरीका है उस काम को करने का। तो यही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब है हर चीज़ फॉर्मल तरीके से हो रही होती है और हर चीज़ का जो है वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाता है। तो अब सोशल चेंज में प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है सकती है कि अब जो तब्दीली आ रही है, तगैयर आ रहा है माशरे में,
उसके अंदर जो एक सिंपल एक फैक्ट्री बनती है उसके पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, एनओसी गवर्नमेंट का लेना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ उनको रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि वो लोग जो है वो बाकायदा एक फैक्ट्री का आगाज कर सकें या उसको एक्सपेंड कर सकें, उसको इन्वेस्टमेंट करके बढ़ा सकें, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये तो जो थे वो कॉजेज और सोर्सेज ऑफ चेंज आपके खत्म हुए। अब हम थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसमें कि एवोल्यूशनरी सोशल चेंज होता है और एक होता है रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज। तो एवोल्यूशनरी सोशल चेंज होता है, उसके नाम से पता चल रहा होता है कि एवोल्यूशन है, स्लो प्रोसेस है, आहिस्ते आहिस्ते चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो आहिस्ते आहिस्ते हो रही थी। जैसे हमारे यहाँ हम जब हमने टाइप्स ऑफ सोसाइटी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में भी आप देखें तो उसके अंदर जो हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए, किस तरह चेंजेस आए, तो वो चेंजेस को हम जब हम नोट करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि स्टोन एज का दौर था जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, इसके बाद पेस्टोरल सोसाइटी थी, इसके बाद एग्रीकल्चर सोसाइटी आई, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। तो ये एवोल्यूशन का मतलब है आहिस्ते आहिस्ते हमने एक टाइप ऑफ सिस्टम से हम चेंज करके दूसरी टाइप ऑफ सिस्टम में आए। तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस ये कहता है कि इंसान जो है उसने ग्रेजुअली जो है वो तरक्की की है, ग्रेजुअल सोशल चेंज आया है जिसकी वजह से उसने उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बन मुकाबला उसके जो रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज है, जो रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज होता है इनकलाब होता है, और इनकलाब जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस उसके लिए बहुत कम होती है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा जो रेवोल्यूशन आया है उसमें इतनी फास्ट नॉलेज आ रही है कि लोग जो है उस एडवांसमेंट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में बैठ नहीं रही, आ नहीं रही कि ये कैसे चीज़ें मुमकिन हैं। तो एवोल्यूशनरी सोशल चेंज जो है वो ज़्यादा बेहतर है रेवोल्यूशन के मुकाबले में, क्योंकि रेवोल्यूशन में जो है हमें नज़र आता है कि इन बहुत फास्ट चेंज आता है और लोग उस फास्ट चेंज को उन एक्सेप्ट हो सकता है ना कर सकें, उसमें एडजस्ट कर सकें, जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम्स का शिकार हो। टॉफलर ने जो है सोशल डेवलपमेंट के हवाले से एक इंसान की जो सोशल डेवलपमेंट है उसके तीन स्टेजेस बताए, और जो करंट स्टेज में हमने जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टेज तो हम कर चुके हैं, ठीक है, हमने कहा कि जो सोसाइटी होती है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर गुजरती है। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के बाद जो एग्रीकल्चर एज आया, तो एग्रीकल्चर एज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें बताते हैं कि कम से कम कम से कम इंसान ने 10,000 ईयर्स तक जो है उसको मुसलसल उस पर स्ट्रगल की है एग्रीकल्चर दौर से निकलने की और मशीन की तरफ आने के लिए, उसको जो है वो 100 सदियाँ गुजर गई, 100 सदियाँ लगी हैं उसको निकलने के लिए। इंडस्ट्रियल एज आया, वो कहते हैं इंडस्ट्रियल एज जो है 18th century में स्टार्ट हुआ है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था कि फार्मिंग से लोग ने फार्मिंग छोड़ के फैक्ट्रीज और सिटीज की तरफ आना शुरू किया और फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। अब जो दौर आ रहा है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन एरा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो सर्वाइव कर जाएगा इस सोसाइटी में। वेल्थ में हम कहते हैं आइडिया इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी। तो यहाँ पर जो हम जो सबसे ज़्यादा जो वेल्थ जिसने अक्वायर की है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेस पे की है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो माइक्रोसॉफ्ट का जो है, वो बिल गेट्स हो टेस्ला का जो है, एलन मस्क हो अमेजोन का, जेफ बोज जेफ हो, या एप्पल का स्टीव कुक स्टीव जॉब हो, या टिम कुक हो, दोनों जो हैं वो स्टीव जॉब का इंतकाल हो चुके हैं, टिम कुक जो है करंटली CEO हैं एप्पल इंडस्ट्री के। तो कोई भी ऐसा हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या करंट एरा जो है हमारा वो करंट एरा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एरा कहलाया है, और जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और सोशल चेंज जो है पॉजिटिव आएगा जिस ममालिक में जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हो। लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है वो इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाते और पीछे
वो कौमें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो सोशल एवोल्यूशन थ्योरी जो देने वाले लोग हैं उसके अंदर जो नाम आता है वो ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और डर्खाइम ने जो है 19th century में इसके बारे में जिक्र किया था कि 19th century के ये लोग हैं और एवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस में इंसान का एडजस्टमेंट और अडेप्टेबिलिटी आसान है। जबकि रेवोल्यूशनरी चेंज को जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रेवोल्यूशन आएगा और ये रेवोल्यूशन जो दो क्लास के दरमियान आएगा वो अपर क्लास और लोअर क्लास होगी, उनके दरमियान होगा ज़्यादातर, और चेंज जो है वही लेके आएंगे। सोशल चेंज सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से आता है। आज भी हम देखते हैं दुनिया में जो बड़े बड़े जो चेंजेस आए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का आपस में मिल जाना, नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का टूट जाना, ईरान और इराक का जो है वो अलग हो जाना, फिर मुख्तलिफ ममालिक की अलायंस बनाकर यूनाइटेड नेशन को बनाना। तो यूनाइटेड नेशन बनने के बावजूद आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो यूनाइटेड नेशन का काम मुश्किल हो गया है। आज भी सीरिया, इराक, यमन, फलस्तीन, कश्मीर, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं और वहाँ पर तब्दीली बहुत फास्ट हो रही है, या यूँ कहना चाहिए कि इस तरह की तब्दीली हो रही है कि लोग जो है उस पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और यही जो है उनकी वजह से उनकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही और उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही। एक सोशल चेंज की जो थियोरी है वो उसका नाम है साइक्लिकल थियोरी। वो कहते हैं साइक्लिकल थियोरी वाले ये कहते हैं कि एक सोसाइटी जो है मुख्तलिफ साइकल्स या मुख्तलिफ पीरियड्स या मुख्तलिफ फेजेस से गुजरती है और फिर दोबारा से वहीं पर आ जाती है जहाँ से इसने शुरू किया था। तो ये लोग जो साइकिल देते हैं वो देते हैं साइकिल, उनका जो आस्पेक्ट है वो साइकिल की थियोरी का वो है बर्थ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, डेथ, तीन का जो है देता है। इब्न खलदून ने उसको 120 इयर्स का कहा था कि 120 साल में एक सोसाइटी ख़त्म, डाउनफॉल हो जाता है और फिर दोबारा सोसाइटी को अपने आप को रिवाइव करना पड़ता है। यानी वो कहते हैं 40 साल तक जो है सोसाइटी अपने आप को, अभी शुरू हुई है, बर्थ हुआ है सोसाइटी का, फिर 40 साल तक वो मैच्योरिटी या प्रोग्रेस दिखती है, फिर आखिरी 40 साल वो डिक्लाइन दिखती है अपना। जबकि ऑस्वर्ल्ड स्पेंगलर ने इसको कहा कि ये 1000 साल का होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि 120 साल बहुत कम है एक सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। तो एक सोसाइटी इतनी कम अरसे में जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि ज़्यादा टाइम लगता है, और ऑस्वर्ल्ड स्पेंगलर ने इसको 1000 साल का पीरियड कहा था कि जो है 250 या 300 का आप कहें, 300 साल तक जो है वो बर्थ है, 300 साल तक प्रोग्रेस है, मेच्योरिटी है, और फिर इसके बाद डिक्लाइन शुरू होगा, फिर दोबारा से इंसान अपने आप को रिवाइव करेगा, वो सोसाइटी अपने आप को रिवाइव करेगी, दोबारा से आगे बढ़ जाएगी। तब पॉल कैनेडी ने भी इसी तरह की बात की थी कि हम जो है किस तरह अपने आप को राइज और फॉल करेंगे। सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल दी गई है जिसने जो है वो जल्दी फॉल हो गया, 1000 साल पूरे नहीं कर सका। जापान फॉल हो गया, 1000 साल पूरे नहीं कर सका। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो 1000 साल पूरे नहीं कर सके, और बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो 1000 साल से भी पुरानी हैं, वो अभी तक डिक्लाइन नहीं हुई। जैसे इंडिया 1000 साल ज़्यादा पुराना है, यानी हम भी इंडिया का हिस्सा ही थे, तो हम सब 1000 साल मुग़लों के दौर को अगर देखे जाए तो 1000 साल पुराने, तो हमारा डिक्लाइन नहीं आया बल्कि हमारा जो है वो चेंज हो गया, आस्पेक्ट चेंज हो गया, और हम मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो तकसीम हो गया। थियरीज ऑफ सोशल चेंज में जो इक्विलिब्रियम की जो थियरी है वो टार्कर पार्सन ने दी थी, वो कहते हैं कि अगर सोशल चेंज इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, अडेप्ट नहीं करेगा फास्ट सोशल चेंज, तो क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर जो डिसबैलेंस क्रिएट होगा वो इसी हवाले से होगा कि अगर आप जो है वो दुनिया की चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, जो हम भी कर चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी को, कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये दो ग्रुप्स के दरमियान जो है एडजस्टमेंट की बात है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी कार्ल मार्क्स ने जो दी थी उसके अंदर कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का।
ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि ये थीसिस का मतलब, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को थीसिस कह रहे हैं, एंटी थीसिस कह रहे हैं ट्रांजिशन के पीरियड को, और सिंथेसिस कह रहे हैं सोशलिज्म को। तो ये इनका थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस जो है वो उन्होंने जो थियरी ऑफ सोशल चेंज दी है, उन्होंने कहा पहले इंसान जो है आज कैपिटलिस्ट दौर में है, कैपिटलिज्म में ये नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, उसको कहते हैं कि वहाँ पर कुछ अमीर तरीन होता जाता है, गरीब गरीब तरीन होता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप अपना सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं आएगी। तो ये सोशल चेंज नहीं आ रहा, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सोसाइटी ये चेंज लाएगी और फिर सोशलिज्म की तरफ जाएगी तो सोसाइटी तरक्की करेगी, और फिर जब सोशलिज्म में वो माहिर हो जाएगी तो फिर वो कम्युनिज्म की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो है मुसलसल सोसाइटी को जो है उन्होंने तीन हिस्सों में तकसीम किया। ये इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, ये इकोनॉमिक सिस्टम का इशू नहीं है और ना आपका कोर्स का हिस्सा है अभी फिलहाल, लेकिन यू शुड नो अबाउट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो हम यहाँ तक इसको एंड करते हैं, हमारा जो है वो सोशल चेंज का टॉपिक खत्म हुआ।